नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरह तरह भोज के अंदर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहें। राजस्थान की राजनीति के अंदर बसे इस भूचाल के बारे में आज फिर से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि आज हाईकोर्ट के अंदर अंतिम फैसला होगा गहलोत और पायलट दोनों की सियासी राजनीति का। गहलोत की सरकार रहेगी या फिर गिरेगी, या फिर सचिन पायलट भाजपा के अंदर शामिल होंगे और भाजपा की सरकार बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे, जो आज हाईकोर्ट के अंदर अंतिम फैसला होगा इंद्रजीत महेती की बेंच के अंदर। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कल और इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी है और कल की सुनवाई भी टाल दी गई थी और आज फिर से सुनवाई शुरू होगी करीब 11 बजे से, और इसके बाद में अंतिम फैसला होगा। विधानसभा ने जो नोटिस जारी की थी उसको लेकर सचिन पायलट के गुट और 19 विधायक और सचिन पायलट ने जो याचिका दाखिल की थी उसके ऊपर अगर गहलोत के समर्थन में फैसला आता है तो फिर सचिन पायलट गुट के सभी नेता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे, और अगर सचिन पायलट के गुट के अंदर समर्थन आता है तो कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाएगी इस याचिका को खारिज करने के लिए। दूसरी तरफ टेप कांड के अंदर भी बीजेपी के कई नेताओं के नाम सामने उजागर हो रहे हैं, जिसके चलते लगातार कांग्रेस पार्टी और एसओजी टीम दबाव भी बना रही है ऑडियो सैंपल लेने के लिए। बीजेपी के नेता अभी तक ऑडियो सैंपल देने के लिए सामने नहीं आ रहे, जिसके चलते हॉट ट्रेंडिंग के जरिए उस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आरोप सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के अभी तक नेता और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है। इसके ऊपर गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही है, यहाँ तक कि एसओजी टीम जो भारत की सर्वोपरि टीम होती है वो पूरी तरह से इस मामले की जांच कर रही है, जिसके अंदर संजय जैन को भी पकड़ा गया है और उसने खुलासा ये भी किया कि भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भंवरलाल शर्मा के बीच में जो बातचीत चल रही थी करीब 35 करोड़ रुपए के विधायक खरीद फरोख्त की, और उसके बाद में सचिन पायलट गुट के जो 20 विधायक थे, करीबन 25 विधायक थे, उनमें से अब 19 ही विधायक रह चुके हैं, क्योंकि 5 विधायक कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए हैं। फिर से वही मानेस्टर की हरियाणा गुड़गांव होटल के अंदर हरियाणा सरकार बीजेपी की उन्हें पूरी तरह से संरक्षण दे रही है, यहाँ तक कि एसओजी की टीम जब मानेस्टर होटल के अंदर उनके बयान लेने के लिए पहुंची थी तो वहां पर भी हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार ने अंदर घुसने भी नहीं दिया था एसओजी टीम को, जिसके बाद वो खाली हाथ वापस लौटनी पड़ी थी। लेकिन अब गजेंद्र सिंह शेखावत और भंवरलाल शर्मा और इनके खिलाफ बड़ी याचिका भी दायर की चुकी है हाईकोर्ट के अंदर। अब देखना ये होगा कि इस याचिका के अंदर सचिन पायलट जीतते हैं या फिर अशोक गहलोत, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा ही लग रहा है कि अगर हाईकोर्ट के अंदर सचिन पायलट के फेवर में फैसला न आकर गहलोत के फेवर में फैसला आता है तो इन सभी विधायकों को कांग्रेस पार्टी निष्कासित और बर्खास्त कर देगी विधानसभा की सदस्यता को, जिसके चलते अशोक गहलोत की सरकार को कोई हिला भी नहीं सकता है आने वाले 5 वर्षों के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे। वही राज्यसभा चुनाव के बाद में लगातार ये खींचातानी बढ़ रही थी, जिसके बाद सचिन पायलट का रुख तेज हो चुका था बगावत का और अशोक गहलोत को पहले से ही इस बात का पता चल चुका था। लेकिन आज जो सुनवाई होगी उस पर अंतिम फैसला और अंतिम मुहर लगेगी भाजपा और कांग्रेस पार्टी की। यहाँ तक कि बात ये भी सामने आ रही है कि भाजपा पार्टी ने सचिन पायलट को सीएम पद का ऑफर देकर 30 विधायकों को कांग्रेस से बाहर निकालकर भाजपा के अंदर शामिल होने की बात और शर्त रखी गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में सचिन पायलट गुट के जो नेता थे उन्होंने पलटी मार दी और करीब 25 विधायकों से 5 विधायक निकलकर कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत के साथ में मिल गए, जिसके बाद बड़ा झटका भी लगा भाजपा पार्टी को, क्योंकि उनका पूरी तरह से प्लान फेल हो गया। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के ऑपरेशन चलाया गया था लोटस, उसके अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो गेम खेला था उसके बाद में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने बयान ये भी दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम बनना चाह रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से 2018 विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उस समय सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खींचातानी थी और युवा और बुजुर्ग गुट यही चाह रहे थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को बड़ा योद्धा देते हुए
उन्हें सीएम बनाया और मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम ना बनाकर कमलनाथ को सीएम बनाया गया, क्योंकि वो कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं और बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी है, जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया। क्योंकि इस बार राजस्थान के अंदर भी सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़े गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस पार्टी ने विशेष और कई वर्षों के एक्सपीरियंस के चलते अशोक गहलोत को सीएम पद पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद सचिन पायलट नाराज हो गए और आखिरी 2 सालों के वक्त में सचिन पायलट ने अपना बगावत की सुर बता दिए और पार्टी से निष्कासित और उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से भी निष्कासित और बर्खास्त कर दिए गए कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला के द्वारा। लेकिन आज जो हाईकोर्ट के अंदर अंतिम फैसला और अंतिम सुनवाई होगी सचिन पायलट और गहलोत के गुट पर, वही अंतिम फैसला होगा गहलोत की कुर्सी बचाने और सचिन पायलट के गुट के लिए। क्योंकि अगर सचिन पायलट गुट के अलग फेवर के अंदर फैसला आता है तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और आने वाले 12 महीनों तक वो किसी भी चुनाव के अंदर भाग नहीं ले सकते, जिसके चलते अगर उपचुनाव भी होते हैं राजस्थान की इन 19 और से 20 सीटों पर तो भी कांग्रेस सरकार को कोई झटका और कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो दूसरी तरफ भाजपा पार्टी लगातार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अल्प बहुमत के अंदर आ चुकी है। वही राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ में भी मीटिंग हो चुकी है अशोक गहलोत की, लेकिन अभी तक कोई फ्लोर टेस्ट की घोषणा सामने नहीं आ रही है। वहीं आज मंगलवार के दिन अगर अंतिम फैसला कोर्ट का आता है तो फिर अशोक गहलोत विधानसभा का इमरजेंसी के अंदर सत्र बुलाकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने बहुमत साबित भी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के अभी भी उनके पास में करीब 97 से 99 सीटें सामने दिखाई दे रही है और बीजेपी के पार्ट में अभी भी 30 सीटों का आंकड़ा कम पड़ रहा है, जिसके चलते अगर 30 विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो ETC होटल जयपुर के अंदर रुके हुए वो अगर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका होगा और अशोक गहलोत को सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन जिस प्रकार से विधायक की वीडियो सामने आ रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं विधायक और अशोक गहलोत के साथ में भी नजर आ रही, जिसके बाद में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और बीजेपी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी में लगातार निशाना भी साध रही है कि कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर सेवाओं की जगह अपने विधायकों को खरीद फरोद मामले के अंदर पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और राजस्थान के अंदर काम भी नहीं करे, जिसके चलते उन्हें अपने विधायकों को होटल से बाहर निकाल देना चाहिए। जिसके चलते आज अंतिम फैसले के बाद विधानसभा का इमरजेंसी सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट की भी घोषणा हो जाएगी और फ्लोर टेस्ट के अंदर पूर्ण बहुमत साबित भी कर देंगे सीएम अशोक गहलोत, जिसके चलते बीजेपी को हॉर्स ट्रेंडिंग के चलते और ऑडियो क्लिप के अंदर बड़ा झटका भी लग सकता है। दूसरी तरफ खबर ये भी सामने है कि सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट पर जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं उसके बाद में सचिन पायलट पूरी तरह से बौखला भी गए और लगातार वो बीजेपी पार्टी के अंदर अब जाने की पूरी फिराक में भी बढ़ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से निकले सचिन पायलट के सामने भाजपा पार्टी ने जो सीएम पद के ऊपर शर्तें रखी थी उस हिसाब से अभी तक सचिन पायलट के अंदर पूरा आंकड़ा बहुमत का नहीं है और भाजपा की सरकार भी नहीं बन सकती है, क्योंकि करीब अगर 19 विधायक भी भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो भी 90 सीटों का ही आंकड़ा पार हो पाता है, जिसके अंदर भी करीबन 12 विधायक कम पड़ रही है, जिसके बहुमत साबित नहीं हो पाता है और भाजपा की सरकार नहीं बन सकती है, जिसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूत रहेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इस बढ़ रहे हॉर्स ट्रेंडिंग और ऑडियो टैप कांड के अंदर पूरी तरह से भाजपा के जो नेता शामिल थे और जो ओडीए पकड़े गए इस एसओजी टीम के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई और इस्तीफा देने की मांग भी कर रही है। यहाँ तक कि केंद्रीय कांग्रेस पूर्व मंत्री ने यह भी बयान दिया है कि सचिन पायलट भाजपा के अंदर शामिल होकर 2 सालों के अंदर प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होना चाह रहे थे, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किए गए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि 26 साल की उम्र के अंदर सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बना दिया और 2 बार सांसद भी रहे और करीब 46 वर्ष के अंदर वो उप मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच चुके। अगर वो भी संयम रखते तो अगली बार अगर कांग्रेस की सरकार आती तो फिर अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट का चेहरा भी हो सकता था सीएम पद के ऊपर, क्योंकि अब अशोक गहलोत कांग्रेस के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी बन चुके हैं और अगली बार सचिन पायलट को मौका भी
मिल सकता था राजस्थान के अंदर, लेकिन सचिन पायलट ने अपना संयम नहीं रखा और वो जल्द से जल्द सीएम पद पर आसीन होना चाह रहे थे और भाजपा पार्टी ने उन्हें पीएम बनाने का ऑफर दे दिया, जिसके बाद में उन्होंने पार्टी से बगावत भी कर ली। यहाँ तक कि रणदीप सुरजेवाला और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर अभी भी सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होना चाह रहे हैं तो वो उनके द्वार खुले हैं और वो कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से आ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा रुझान सामने नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत ने कल रात से सचिन पायलट पर कई ज़्यादा बयान दे दिए और ऐलान भी किया, जिसके बाद में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कड़ा जवाब भी दिया और ANI TV के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई बड़े खुलासे भी किए कांग्रेस पार्टी के लेकर कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर राजस्थान में काम नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके ऊपर केंद्रीय मंत्री ने ये भी बयान दिया कि अगर वो गहलोत के फेवर में अगर काम करना नहीं चाह रहे थे वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर भी रह सकते थे, उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर और कांग्रेस पार्टी में काम कर सकते थे, लेकिन सचिन पायलट ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने जल्दबाजी के अंदर भाजपा के साथ में जो समझौता किया और कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त हुए, अब उन्हें बड़ा झटका भी लग सकता है विधानसभा की सदस्यता को लेकर, जिसके चलते आज हाईकोर्ट में अंतिम फैसला होगा। सचिन पायलट और गहलोत के बीच में याचिका लगातार खारिज हो रही है और लगातार बहस भी जारी है हाईकोर्ट के अंदर और आज फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर और विधानसभा इमरजेंसी सत्र भी बुलाया जा सकता है। तो आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।